एक तस्वीर हजारों शब्द की बात बयां कर देती है, एक तस्वीर जो इतना कुछ कह डालती है, लेकिन उस तस्वीर के पीछे तस्वीर खींचने वाले की क्या सोच होती है। नमस्कार, तेजस्वी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जहां हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इन तस्वीरों को खींचने वाली एक ऐसी फोटोग्राफर से जो अपने आप को फोटोग्राफर से ज़्यादा एक बुक आर्टिस्ट मानती हैं, एक ऐसी फोटोग्राफर जो दुनिया के 16 से ज़्यादा देशों में, जिनकी 30 से ज़्यादा शहरों के म्यूजियम्स में जिनकी तस्वीरें प्रदर्शित की जा चुकी हैं, भारत में भी नेशनल म्यूजियम में भी उनका काम प्रदर्शित है। आप कई किताबें लिख चुकी हैं, किताबों के माध्यम से आप अपनी बात कहती हैं, और इतना इनोवेटिव तरीका है आपका अपनी फोटोग्राफ्स के माध्यम से अपनी बात को सामने रखने का कि जब हम आपको दिखाएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि वाकई कितना क्रिएटिव काम है। कौन है हमारी आज की तेजस्विनी, आइए करवाते हैं आपकी मुलाकात। तस्वीरों के माध्यम से अपनी रचनात्मक सोच को प्रदर्शित करने वाली बयानिता सिंह अपने आप को फोटोग्राफर से आगे एक आर्टिस्ट मानती हैं। फोटोग्राफी से शुरू होकर आपकी कलात्मकता तस्वीरों के विभिन्न क्रम स्वरूपों के संपादन के बाद लेती है किताब का स्वरूप, तभी आप अपने आप को एक बुक आर्टिस्ट मानती हैं। टाइपोग्राफी में रुचि थी, लेकिन पढ़ाई के दौरान एक प्रोजेक्ट के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन पर किए गए अनुभव ने उनकी जिंदगी को नई दिशा दे दी। फोटोग्राफी के माध्यम से स्वतंत्र जीवन और स्वच्छंद सोच को तस्वीरों में ढालती चली गईं। अपने कार्य को प्रदर्शनियों, म्यूजियमों तक सीमित ना कर घर घर तक पहुंचाने का विचार बुक ऑब्जेक्ट के रूप में साकार हुआ, और फिर सेंट अ लेटर से शुरू हुआ नया सिलसिला जिसमें पुस्तकों को लंबी मुड़ी हुई पट्टियों के रूप में एक हैंडमेड बॉक्स में रखा जाता है जिन्हें दर्शक अपने घरों में लगा सकते हैं। इस प्रकार प्रदर्शनी एक पुस्तक बन जाती है और पुस्तक एक प्रदर्शनी। इसी विचार ने फिर मोबाइल संग्रहालय का रूप लिया। लकड़ी के बड़े बड़े फ्रेम पर प्रदर्शित तस्वीरें, फ्रेम जिसे खोला या बंद किया जा सकता है, प्रत्येक फ्रेम में 70 से 140 तस्वीरें होती हैं जिनके क्रम को बदलकर नई परिकल्पना प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका लघु संस्करण है म्यूजियम भवन, जो 9 म्यूजियम का संग्रह है जिसे विश्व भर में सराहना मिली है। बयानिता सिंह के कार्य विभिन्न देशों में विश्व के बड़े बड़े म्यूजियम में प्रदर्शित हैं। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में भी म्यूजियम भवन प्रदर्शित किया गया है। विश्व भर में विभिन्न मंचों पर सम्मानित और विश्व में फोटोग्राफी के सबसे सम्मानित हासलब्लाद पुरस्कार से सम्मानित बयानिता सिंह हैं एक उत्कृष्ट फोटोग्राफी कलाकार। हेलो हेलो, वेलकम, थैंक यू सो मच, प्लेजर आपके यहाँ पहुँचना और खासकर आपके स्टूडियो में पहुँचना। इट्स सच अ गुड फीलिंग, किसी भी आर्टिस्ट के पर्सनल स्टूडियो में एंटर करने का मुझे लगता है एक अलग ही एहसास है बयानिता जी। और आपके जैसे एक मशहूर फोटोग्राफर, कितने आयाम है आपके काम के, कैसे परिभाषित करती हैं आप अपने काम को, क्योंकि यहाँ भी हम जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं बहुत अलग तरीके से प्रदर्शित हैं। पहली बात तो ये फोटोग्राफ्स उस तरह की नहीं है, क्योंकि ये एक किताब है, हर फोटोग्राफ एक किताब है। हाँ, बिल्कुल। और अंदर एक किताब है जिसका नाम है फाइल रूम, ठीक है। अब उसके मैंने 70 अलग कवर्स बनाए और स्ट्रक्चर में डाल के दीवार पे लगाया, और फिर ये मेरी फाइल रूम की किताब है। उस तरफ देखेंगे तो सारी म्यूजियम ऑफ चांस की किताब है, और फिर ये जैसे नई किताब आती है तो और दीवारें बन जाएंगी, और फिर ये सब हिलेंगी और दीवारें निकल आएंगी। तो मेरे लिए फोटोग्राफी सिर्फ एक शुरुआत है, बहुत ज़रूरी है कि उसका क्या फॉर्म, मतलब वही मेरे लिए फोटोग्राफी सिर्फ तस्वीर नहीं है, वो तस्वीरों को लेके क्या फॉर्म निकलता है, उसको दिखाने का क्या तरीका होगा, उसको बाहर दुनिया में भेजने का क्या तरीका होगा, वो सब हमें, वही मैं सोचती हूँ असली फोटोग्राफी है मेरे लिए। लेकिन इसीलिए आप अपने आप को एक फोटोग्राफर नहीं एक बुक आर्टिस्ट मानती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फोटोग्राफर अभी तक उसका मतलब होता है जो फोटो लेते हैं,
वो ठीक है लेकिन वो सिर्फ रॉ मटेरियल है सब्जी के जैसे. अब सब्जी को मेज पे रख दूं और बोलूं कि आप खाने के लिए आओ, ये मैंने आपके लिए बनाया है, वो मेरे लिए फोटोग्राफी वैसे ही है, स्टार्टिंग पॉइंट. इसका मतलब है कि आपके हर फोटोग्राफ के पीछे एक बहुत गहन सोच है, यू नो देयर इज अ क्रिएटिव प्रोसेस बिहाइंड इट. इस क्रिएटिव प्रोसेस में जाहिर है कि आप कुछ फॉर्म्स सोचती हैं कि मैं किस फॉर्म के ऊपर कैसे इसको प्रेजेंट करूं, किस तरह के कॉम्पोजिशंस मुझे क्रिएट करनी है. ये आपकी क्रिएटिव प्रोसेस कैसे आगे बढ़ती है? मैं कॉम्पोजिशन का नहीं सोचती और मैं फॉर्म का नहीं सोचती. मैं एक चीज को ऐसे देखती हूँ, देखती रहती हूँ, और जब तक मुझे उसमें कुछ और महसूस ना हो, जैसे अगर आपकी तस्वीर ले रही हूँ तो हाँ आपका बहुत ब्यूटीफुल फेस है, आपने इयररिंग्स पहने हैं, वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है. मैं शायद दरवाज़ा खोलूँ तो शायद कुछ लाइट के साथ कुछ हो जाएगा, या कोई एंटर करेगा कुछ हो जाएगा, या हम बातें करेंगे तो आप किसी और लेवल पे पहुँच जाएंगे, तो तब मैं तस्वीर लूँगी. मुझे कुछ और चाहिए. जो कैमरा को दिखाई देता है वो मेरे लिए काफी नहीं है. बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने. चलिए मैं बात को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन आपके कुछ और काम को भी हम सबके सामने लाना चाहेंगे. आपका म्यूजियम भवन बहुत मशहूर हुआ है, कई जगह अभी भी इस वक्त प्रदर्शित विश्व में किया जा रहा है. दिखाएंगे हमें क्या है म्यूजियम भवन? म्यूजियम भवन एक्चुअली एक बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन है जिसमें 8 म्यूजियम्स हैं, बड़े बड़े इन दरवाजों के जितने. पर मैं उसका डमी दिखाती हूँ म्यूजियम भवन का. ये मेरा कमरा है, ये एक डमी है बड़े म्यूजियम का. तो ये मेरा आइडिया था कि म्यूजियम खुद अलग तरीकों से खुल भी सके, और इनमें जो तस्वीरें होती हैं पीछे स्टोरेज में तस्वीरें होती हैं वो सब आप एक मिनट में बदल सकें. क्योंकि मुझे लगता था गैलरी बहुत फिक्स्ड जगह बन जाती है और फोटोज मेरी दीवार पे फिक्स्ड हो जाती हैं. I wanted it to be more organic, कि कुछ बदल रहा है, कुछ नया हो रहा है. अच्छा. तो मैंने ऐसे 8-9 म्यूजियम्स बनाए थे. हाँ. उन सब म्यूजियम्स को हम साथ में म्यूजियम भवन कहते हैं. तो आप इसमें एक ही थीम की एक म्यूजियम? हाँ, जैसे एक थीम जाती है. फर्नीचर म्यूजियम था, एक फोटोग्राफी म्यूजियम था, लेकिन एक फाइल म्यूजियम था, एक म्यूजियम ऑफ चांस था. तो मैंने ये म्यूजियम्स बनाए थे अपने घर के लिए कि मैं घर में म्यूजियम भवन बनाऊंगी, लेकिन बाहर के जो बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं उनको ये बहुत पसंद आया तो उन्होंने ये सब म्यूजियम्स ले लिए. अच्छा. तो मेरे पास कुछ नहीं रहा. हाँ. तब मैं स्टाइडे के पास गई और मैंने कहा कि मुझे एक छोटा म्यूजियम बनाना है. तो हमने ये डब्बा बनाया जिसमें मेरे 9 म्यूजियम्स हैं. ओ, वाओ. सारे यहाँ पर हैं. देखिए, म्यूजियम ऑफ फर्नीचर, म्यूजियम ऑफ मशीन्स, लिटिल लेडीज म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ फोटोग्राफी. और इसका आइडिया ये था, इसमें काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ हैं, पर एक आइडिया है कि कहीं भी ये एग्जिबिशन लग सकती है. रोड पे, गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं भी, जहाँ मैं चाहूँ, गैलरी में भी, म्यूजियम में भी, आपके घर में. जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके घर में मेरा काम हो, मेरी प्रदर्शनी हो, सिर्फ किताब ना हो. क्रिएटिव सोच है ये. ये आइडिया कहाँ से आया? आपने भी टाइटल का नाम लिया, क्या उनका भी आइडिया था आपके क्रिएटिव सोच के पीछे? नहीं, ये मेरा अपना आइडिया है. इससे एक तरह से डेवलप हुआ ना, क्योंकि ये भी बढ़ते जाते हैं, कम होते जाते हैं, तो वो आइडिया मुझे पसंद आया था. ये मैंने 10 साल पहले किया था सेंटर लेटर के नाम से. मैं छोटी छोटी किताबें बनाती थी दोस्तों के लिए, और किताब भी हो और एग्जीबिशन भी हो और कहीं भी ले जा सको. अब बड़े बड़े म्यूजियम्स तो आप कहाँ लेके जाओगे, पर ये डब्बा आप जैसे घर जा रहे हैं, शायद कलकत्ता जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, आप ये ले जा सकते हो और लोगों को इनवाइट कर सकते हो, और ये 9 किताबों को शेल्फ्स पे लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो. बिल्कुल, आप बिल्कुल. एक डब्बे में देने जी का काम, कितना सारा काम एक साथ लेकर जा सकते हैं. सारे म्यूजियम्स इसके अंदर हैं. तो इन दोनों डब्बों में आपके पास मेरी 17 एग्जीबिशंस हो जाती हैं. तो फिर अगर कोई गैलरी मुझे बुलाए ना बुलाए, म्यूजियम शो करे ना करे, उससे मेरा इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी आर्काइव आपके घर में अब बस गई है. ये जो छोटी छोटी तस्वीरें हैं ना, ये मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी कॉन्टैक्ट शीट से निकलती हैं. अब आप इधर देखिए, ये सारी मेरी कॉन्टैक्ट शीट्स हैं जो 40 साल में मैंने फोटोग्राफी की है. तो मैं ऐसी किताबें बनाती हूँ जिसके अंदर मेरी सारी ये कॉन्टैक्ट शीट्स होती हैं. तो यानी किसी भी एक सोच को लेकर आप
जितनी भी फोटोग्राफ्स खींचती हैं वो सब आप इस कॉन्टैक्ट शीट में डाल देती हैं? हाँ, क्योंकि कॉन्टैक्ट शीट एक्चुअली जो फिल्म का रोल होता है ना वो तो नेगेटिव होता है, ये उसका पॉजिटिव है. और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये 12 तस्वीरें कैसे कैसे मैंने ली थी. तो मैं सब कुछ का रिकॉर्ड ऐसे रखती हूँ. और अब जो डिजिटल में भी शूट करती हूँ तब भी मैं कॉन्टैक्ट शीट बनाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत हो गई है 12 में देखने की, 12 या 36. और इन्हीं को मैं काट के अपनी छोटी किताबें बनाती थी. तो इस साइज से भी मेरे को बहुत लगाव है. हाँ, हर पेज पे 12 पिक्चर्स हैं. हाँ, तो आप इन 12 से आपका एक तरीके से माइंड ट्यून हो गया है. तो बिल्कुल, और इसलिए म्यूजियम भी इसी से निकले थे एक तरह से, दे आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्टैक्ट शीट्स. अच्छा. क्योंकि मैं मेरे लिए अब जैसे यहाँ पर हम हैं कलकत्ता में हैं, ये मीरा नायर हैं, इनकी नेमसेक की फोटोग्राफी हो रही है. पर यहाँ पर सुनील दत्त जी हैं क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं वहाँ थी और फिर मैं कलकत्ता गई थी. तो इस तरह से जो मिक्स हो जाता है ना उसी से मेरा म्यूजियम ऑफ चांस बना था. क्योंकि मैं तो वही इंसान हूँ, किसी सुनील जी की डेथ पे भी और मीरा जी की फिल्म पे भी, लेकिन कॉन्टैक्ट शीट में दोनों मिल जाते हैं. तो वो आइडिया मुझे बहुत पसंद है कि कॉन्टैक्ट शीट में जैसे अलग अलग दुनियाज मिक्स हो जाती हैं. और वही मेरा नया काम है लेट्स सी, जो फोटो नॉवल मैंने बनाई है. बहुत खूब, बहुत खूब. चूंकि आप एक आर्टिस्ट हैं, तस्वीरों के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत करने के आप कई प्रयास लगातार चलते हैं. आपने अभी डिजिटल पिक्चर्स की बात की ना, तो किस तरह ये इंस्पायर करती है टेक्नोलॉजी आपको? देखिए, अगर डिजिटल प्रिंटिंग नहीं शुरू की होती मैंने तो मेरे म्यूजियम्स नहीं बन सकते थे. म्यूजियम भवन में शायद 900,000 तस्वीरें हैं. उनको अगर मैं सिल्वर जेनेटिन में बनाना चाहती, जो पुराना प्रोसेस होता था, उसमें तो मेरी पूरी लाइफ टाइम चली जाती और इतने पैसे भी नहीं होते मेरे पास. तो डिजिटल से डेफिनेटली आउटपुट काफ़ी बढ़ सकती है. मेरे में हिम्मत भी आई म्यूजियम्स का सोचने के लिए, क्योंकि मैं डिजिटल प्रिंट्स बना सकती थी, सिल्वर में ऐसा नहीं होता. और दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई डिजिटल के बारे में, कि अब फोटोग्राफी ट्रूली डेमोक्रेटिक हो गई है. सबके पास, जिसके पास भी फ़ोन है उनके पास कैमरा है, तो सब लोग तस्वीरें ले सकते हैं. तो अब फोटोग्राफी लैंग्वेज हो गई है सब लोगों की. इसलिए मैं कहती हूँ कि आगे का फोटोग्राफर क्या होगा, क्योंकि सिर्फ हिंदी बोलने से हम लेखक नहीं बन जाते ना. तो फोटोग्राफी का भी वैसे ही है, सिर्फ तस्वीर लेने से आप फोटोग्राफर नहीं बन जाते. वेरी राइट. लेकिन यहाँ पर आपके पीछे मैं देख सकती हूँ बहुत सारी बुक्स लगी हुई हैं, है ना? किस तरह की बुक्स पढ़ती हैं आप, और कहाँ से आपको ये विचार आते हैं, ये जो आपकी सोच को गुदगुदाते हैं? आई थिंक लिटरेचर बहुत ही ज़रूरी है. मैं तो कई बार लोगों को कहती हूँ कि फोटोग्राफी करने के पहले एक MA करिए लिटरेचर में, ताकि आपको लाइफ का एक्सपीरियंस भी आए और एक अलग अलग सोचने का तरीका भी आए. तो जब मैं कई बार माइकल ओंडाचे को पढ़ती हूँ, या जेफ डायर को पढ़ती हूँ, या इटालो कैल्विनो को पढ़ती हूँ, ये तीनों जो राइटर्स हैं हर सिचुएशन के लिए एक नया स्टाइल बनाते हैं. तो जहां भी प्रोसेस की किताबें मुझे मिल जाए ना, those are the books I like to read. चलिए, आपकी थिंकिंग प्रोसेस तो हमने जानी, लेकिन आपकी लाइफ प्रोसेस के बारे में भी हम जानेंगे. लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए. आप देखते रहे तेजस्विनी. नमस्ते इंडिया. नमस्ते लैंड. मरहबन इलल हिंद. जरी इंडिया. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. ब्रेक के बाद आपका स्वागत. आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं एक फोटोग्राफर नहीं, एक आर्टिस्ट, दयानिता सिंह. दयानिता जी, आप फोटोग्राफर बाय चॉइस बनी थी या बाय चांस? बाय चांस. मेरी लाइफ में सब कुछ ज़्यादातर बाय चांस होता है, लेकिन ये मैंने सीख लिया है कि चांस को भी कैसे कल्टिवेट करते हैं और कैसे चांस को पकड़ लेते हैं. कैसे पकड़ा आपने इसे? मैं NID में डिज़ाइन पढ़ रही थी, तो मुझे फोटोग्राफी की असाइनमेंट थी कि मूड्स ऑफ अ पर्सन फोटोग्राफ करने हैं. तो मैं कॉन्सर्ट में गई, जाकिर हुसैन जी का कॉन्सर्ट था रवि जी के साथ, और मैं उनकी तस्वीरें ले रही थी. ऑर्गेनाइज़र ने मेरे को रोका
कि आप तस्वीरें नहीं ले सकती, मैं गिर गई। तो मैं बाहर जाके बैठी और मैंने वेट किया और जाकिर जी बाहर आए। उस टाइम वो इतने फेमस नहीं थे, 81 की बात है। तो मैंने कहा, मिस्टर हुसैन, आई एम अ यंग स्टूडेंट टुडे, समडे आई विल बी एन इम्पोर्टेंट फोटोग्राफर, देन वी विल सी। और फिर मैंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, देखिए रवि जी ने एक फ्रेट ऐड किया था सितार पे, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई उसको आके डॉक्यूमेंट करे, तो आपने परमिशन नहीं ली थी। लेकिन अगर आप चाहती हैं तो आप कल सुबह आके, जब मैं रियाज कर रहा होता हूँ, तब भी वही तस्वीरें मिल जाएंगी। उस रात को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी NID में, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। एंड फिर मैंने डिसाइड किया, यही एक तरीका है फ्री होने का। उस टाइम पे मैं नहीं जानती थी किसी औरतों को फोटोग्राफ। हाँ, मैं भी बोलने वाली थी, 81 की बात, मतलब चार दशक पहले। हाँ, जाहिर है बहुत कम महिलाएं थी फोटोग्राफर के। मैं तो किसी को नहीं जानती थी, तो मैंने सोचा ये बड़ा अच्छा तरीका है, मैं फोटोग्राफर बन जाऊँ, फिर जो मुझे करना होगा करूँगी। क्योंकि उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता था ट्रैवल करना, टू डिसाइड कि आपको कैसी लाइफ लिव करनी है। और उसके बाद मेरी मदर, मेरे फादर की डेथ हो गई, पर मेरी मदर बहुत ही स्पेशल इंसान है और वो फ्रीडम को बहुत बड़ा मानती हैं, तो उन्होंने मुझको फ्री कर दिया अपने आप से भी और बोला, तुम जाओ, तुमको जो करना है तुम खुश रहो, क्योंकि तुम काम में बहुत बढ़ने वाली हो, इतना मुझे मालूम है, तो अगर शादी भी नहीं करवानी नो प्रॉब्लम। उससे मेरे को बहुत फ्रीडम मिल गई। तो ये 40 साल, क्योंकि जिंदगी का बड़ा हिस्सा आपने एक आर्टिस्ट के तौर पर जिया है, इन 40 सालों में आपने कैसे देखा है दयनीता सिंह को इवॉल्व होते हुए? बहुत बहुत चेंजेस हुए हैं। मैं कॉन्वर्सेशन में बहुत ध्यान देती हूँ कि किसके साथ मैं कॉन्वर्सेशन में हूँ। जगह भी हो सकती है, किताब भी हो सकती है, इंसान भी हो सकते हैं। तो जितना मैं सीखूं उससे मैं ज़्यादा बढ़ती जाती हूँ। एंड आई होप कि जिंदगी भर मैं सीखती रहूं। और ये सीखना जाकिर जी से मैंने सीखा है, उन्होंने मुझे सिखाया है कि सीखना क्या होता है, और सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। दयनीता जी, एक व्यक्ति के तौर पर जैसे मुझे लगता है कि अगर किसी तस्वीर में एक लिविंग बीइंग हो तो उस तस्वीर में एक लाइफ आ जाती है। आपके बहुत सारे एग्जीबिशंस, बहुत सारी थीम्स ऐसी हैं जो बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी लिविंग बीइंग के है, तो इसके पीछे क्या सोच है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं तो सोचती हूँ कि हर चीज़ में एक तरह से जान है, प्राण है, वो मेज़ हो या कुर्सी हो या बोतल हो या कपड़े कहीं टंगे हुए हों, मेरे लिए सब चीज़ की पर्सनालिटी है, सब चीज़ में फीलिंग है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी बातचीत सिर्फ लोगों से नहीं होती, आर्किटेक्चर से होती है, फर्नीचर से होती है, और जहाँ बातचीत नहीं हो रही फिर मैं वो तस्वीर नहीं लेती। तो मेरे लिए तो बल्कि जब कोई इंसान तस्वीर में होता है तो सारी तस्वीर उसके बारे में बन जाती है। लेकिन मेरे लिए टेबल में भी उतना ही इंटरेस्ट है, किसी के ग्लास में भी उतना ही इंटरेस्ट है, तो मैं जो भी फोटोग्राफ करती हूँ उसको एक पोर्ट्रेट समझ के फोटोग्राफ करती हूँ कि हर चीज़ में वो जो इंसान में है वो हर चीज़ में है। अच्छा, क्या बात। आपने तो इन 40 सालों में, 40 से ज़्यादा, 42 सालों में आप बहुत लोगों से मिली होंगी ना, कोई ऐसे नाम गिनाना चाहेंगे जिनके ऊपर आपने काम किया? ऐसे तो बहुत लोग हैं, क्योंकि मेरी अगर कोई खासियत काम में रही है तो वो यही है कि मैं एक बार ही किसी का काम, किसी के ऊपर काम शुरू कर देती हूँ तो मैं छोड़ती नहीं जब तक वो रहे, जब तक मैं रहूँ। अच्छा, तो ऐसे जैसे जाकिर जी हैं, 1981 में मैंने शुरू किया था, पर लेकिन अभी भी मुझे चांस मिले मैं उनको जाके फ़ोटोग्राफ करती हूँ। मोना अहमद हैं, 89 में शुरुआत उनके साथ की थी पर 2017 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन फिर भी मेरे काम में उनकी तस्वीरें मोंटाज कर रही हूँ, वो मेरे काम में आ रही हैं। हासलब्लैड अवार्ड की जो कवर है उसमें भी मोना जी हैं। तो मेरे सारे काम लंबे लंबे चलते हैं, तो मेरी आर्काइव ज़्यादा चौड़ी नहीं है लेकिन बहुत डीप है। अच्छा, यानी ये सवाल का जवाब बहुत इम्पॉसिबल है मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, आप के इतने सारे अनुभव रहे हैं, जाहिर है कोई ऐसा अनुभव जो आपको बार बार याद आता हो, जो आपके दिल पर दस्तक देता हो? ऐसे भी बहुत हैं, क्योंकि फोटोग्राफी की लाइफ बहुत रिच लाइफ होती है, हमारे इतने इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं। पर शायद एक बहुत ज़रूरी एक्सपीरियंस जो हुआ था वो था जब मैं
मोना अहमद की तस्वीरें लेने गई थी तुर्कमान गेट में, क्योंकि मुझे, मैं उस टाइम फोटो जर्नलिस्ट थी, तो यूनक्स पे कुछ काम करना था. और मैंने सुना था कि मोना जी हैं जो अपनी तस्वीर किसी को लेने नहीं देती, तो मैं उनकी तस्वीर लूँगी. तो मैं गई, वो मान गई, हमने तस्वीर ले ली. फिर उसके बाद उन्होंने, मैंने कहा कि लंदन टाइम्स के लोग बहुत खुश होंगे आपकी तस्वीरें देख के. उन्होंने कहा था, तुमने तो बोला था न्यूयॉर्क टाइम्स. तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं तो लंदन टाइम्स के लिए काम करती हूँ, मैं कैसे आपको न्यूयॉर्क टाइम्स बोल सकती हूँ. उन्होंने मुझसे फिल्म मांगी, तो दो रोल थे, मैंने उनको दे दी, क्योंकि वो पूरा घर ट्रांसजेंडर लोगों के साथ भरा हुआ था. तो मैं कैसे उनको अनॉय कर, मतलब मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा. तो मैंने उनको फिल्म दे दी, उन्होंने कचरे में डाल दी, और उससे, उसके बाद मेरे को हग कर लिया. अच्छा. तो उससे हमारी दोस्ती शुरू हुई. ये 89 की बात है. मतलब बाद में वो तैयार हो गई. हाँ, बिल्कुल तैयार हो गई. फिर हमने एक किताब भी बनाई साथ में, माई सेल्फ मोना अहमद, 2000 में. वो मेरी सेकंड किताब थी. और फिर अभी तक मैं उन पर काम कर रही हूँ, इवन दो शी इज़ नॉट अलाइव. आपने, क्योंकि आपके देखा जाए तो इतने पुरस्कार, इतने एग्जीबिशंस, इतने म्यूजियम्स में आपका काम प्रदर्शित है, तो अपनी ज़िंदगी की सफलता आप किसे मानती हैं? दो चीज़ें हैं. एक तो जब मैं आपके घर में जाऊँ और मेरी किताब वहाँ डिस्प्लेड है, मतलब एक बुक ऑब्जेक्ट आपके घर में है, फिर मुझे लगता है कि हाँ, मेरा काम कहीं पहुँच रहा है. सिर्फ म्यूज़ियम में जाना काफ़ी नहीं है. जब तक आप लोगों के घरों में जाके आपका काम वहाँ नहीं हो, तो मुझे लगता है फिर वो फ़ोटोग्राफी के लिए तो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि फ़ोटोग्राफी वो कर सकता है. फ़ोटोग्राफी की वैल्यू अलग हो सकती है, अलग 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 हो सकती है. जब ये हासलब्लाड अवार्ड मिला, तो वो तो बहुत ही बढ़िया वैलिडेशन है ना. उससे आगे कुछ है ही नहीं फ़ोटोग्राफी में. तो फ़ोटोग्राफी में वो सबसे ऊंचा अवार्ड माना जाता है, और साउथ एशिया में तो पहली बार ही मुझे मिला है. तो आपको तो पता है कि इस फील्ड में बहुत सारे मतलब इट्स अ मेल डोमिनेटेड फील्ड, और बहुत ही जेनरस अवार्ड है, बहुत रिस्पेक्टेड है. और मेन चीज़ ये है कि जिन लोगों की मैंने पढ़ाई की थी, जिन लोगों को मैंने पढ़ा था, वही अवार्ड मुझे मिला है. तो वो मेरे को लगता है कि शायद बहुत खास लम्हा. यहाँ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो हासलब्लाड अवार्ड है, इसको फोटोग्राफी का इक्विवेलेंट टू नोबेल पुरस्कार माना जाता है. तो यानी सबसे ऊंचा पुरस्कार फोटोग्राफी का इसी को माना जाता है, जो आप पहली दक्षिण एशियाई महिला फोटोग्राफर ही रही जिनको ये पुरस्कार मिला है, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट. मतलब भारतीयों के लिए बहुत बड़ी बात है. आपके इतनी सारी तस्वीरों में से कोई ऐसा काम है, इतने सारे काम में से कोई ऐसा काम है जो आपके दिल के बहुत करीब है? क्योंकि दर्शक तो अपने सब्जेक्टिव तरीके से उसको देखते हैं ना, लेकिन एज एन आर्टिस्ट, एक व्यक्ति के तौर पर, आपके दिल के कौन सा ऐसा काम है जो करीब है? देखिए, दिस इज़ लाइक आस्किंग अ मदर कि उनका बच्चा कौन सा फेवरेट है. ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यू लव एवरीथिंग. जो भी नया काम है, यू आर वेरी अटैच टू इट. फिर कुछ टाइम के बाद, हाँ, एक्चुअली यू आर राइट, कुछ टाइम के बाद लगता है कि इसमें कुछ नया हुआ था, इसमें कुछ नया नहीं हुआ था. तो उस तरह से ये जो सेंटर लेटर है, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क फॉर मी. क्यों? क्योंकि वहाँ से मेरी शुरुआत हुई इस सोच की कि किताब भी एग्जिबिशन हो सकती है. किताब भी रहती है, लेकिन एग्जिबिशन भी हो सकती है. और सेंटर लेटर मेरी सबसे ज़्यादा दिखाई एग्जिबिशन है. तो आर्ट फेयर में जा सकती है, म्यूज़ियम में जा सकती है, आपके घर में जा सकती है, आपके कॉलेज में जा सकती है, कहीं भी ये एग्जिबिशन हो सकती है. तो वो सेंटर लेटर के थ्रू ही हुआ. तो एक जगह सेंटर लेटर है जिसमें मुझे लगा कि मैंने एक नई डायरेक्शन खोली है फ़ोटोग्राफी के लिए. और शायद जो मेरे बिल्कुल करीब रहती है किताब, वो है माई सेल्फ मोना अहमद. ओके. जो मोना और मैंने खुद बनाई थी. नैनीता जी, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो फोटोग्राफी में जाते हैं, या जो एक क्रिएटिव आर्टिस्ट आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपको फॉलो भी कर रहे होंगे, उनको आप क्या मंत्र देना चाहेंगी? पढ़ो. जितना भी, जितनी भी किताबें आप पढ़ सकते हो, पढ़ो, ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़े लाइफ का. क्योंकि फ़ोटोग्राफी में इतना सीखने का नहीं है, पर आपको काम बहुत करना है. तो वो आइडियाज़, वो सोच कहाँ से आएगी? स्पेशली जब आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, तो किताबों से ही तो वो सोच बढ़ती है ना. बिल्कुल. मैं तो कई बार कहती थी कि अगर आप ट्रक चला सको यहाँ से लेके कन्याकुमारी और वापस, उसी में आपकी इतनी ट्रेनिंग हो जाएगी, मतलब लाइफ एक्सपीरियंस. बिल्कुल. लेकिन काम के बिना कुछ नहीं होगा.
योर लाइफ हैज टू बिकम योर वर्क. क्रिएटिव अर्जेस का कोई एंड नहीं होता, आपकी क्रिएटिविटी लगातार आपके माइंड में चलती रहती है. तो इस वक्त दयानिता सिंह के माइंड में क्या क्रिएटिव आइडिया चल रहा है? पता, एक अजीब सी चीज हो रही है, क्योंकि मैंने इतने साल काम किए हैं, इतने साल जैसे आर्किटेक्चर को फोटोग्राफ किया है, तो ऐसी तस्वीरें बन रही हैं, लेकिन ये दो अलग तस्वीरें हैं. तो मेरी तस्वीरें अपने आप जुड़ रही हैं, जैसे हासलब्लैट की किताब के ऊपर मोना की, तो ये एक तरह से एक मॉन्टाज बन रहा है. तो ये बिल्कुल अलग हैं, दो अलग तस्वीरें, फिर वो जुड़ जाती हैं और एक नई चीज़ बन जाती है. तो मॉन्टाज में आजकल मेरा बहुत इंटरेस्ट चल रहा है. ये वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और मुझे लगता है जब आप फोटोग्राफ्स खींचती हैं, उस बार जब आप एडिट टेबल पर बैठती हैं, तो वो एक फॉर्म लेता होगा, एक कॉम्पोजिशन लेता होगा. और यही मैं कहना चाह रही थी शुरू में भी, कि तस्वीरें मेज पर भर दो और फिर देखो तस्वीरें क्या कहती हैं, तस्वीरों को सुनना सीखो. आपने जो बात बोली अभी बहुत खूबसूरत थी, तस्वीरों को सुनना सीखो. तो जब हम जानेंगे तस्वीरों को कैसे सुनते हैं, फिर फोटोग्राफी में बहुत बदलाव आएगा. जी, और जैसे मैंने कहा, मेरे सवाल खत्म नहीं होंगे, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए आपसे इजाजत लेनी होगी. लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और उम्मीद करते हैं ये जो एक के बाद एक क्रिएटिव आइडियाज आप ला रही हैं सामने, ये लंबे वक्त तक हमें देखने को मिलते रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया दयानिता जी हमसे बात करने के लिए. यू आर वेरी वेलकम. थैंक यू. तो ये थे हमारी आज की तेजस्विनी. कैसा लगा आपको हमारा आज का ये एपिसोड? हमें लिख भेजिए. हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ednews@gmail.com. तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ, लेकिन आप ईमेल करना बिल्कुल मत भूलिएगा. हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार. खामोशियों